कैसे हैं सब सिविल इंजीनियर भाई मेरे? तो आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन के स्टार्ट है, तो उसी में आज दूसरा पार्ट लेके आया हूँ मैं, जो L&T कंपनी में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। और भी काफ़ी कंपनीज हैं, रेपुटेटिव कंपनीज, एफकॉन होगी, गैमन होगी, जिनमें ये पूछे जाते हैं। तो आज उसी पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्लीट वीडियो देखना और काफ़ी नॉलेज इसमें से आप लोग गेन करोगे। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा लो, क्योंकि डेली वीडियोस आएंगी जो इंटरव्यू क्वेश्चन को आपको हेल्प करेंगी। और बीच बीच में मैं आपको जॉब लिंक्स देता रहूँगा, जो भी जॉब आएंगी जेन्युइन जॉब आपको दूंगा, ये नहीं कि फेक जॉब है सिर्फ क्लिक के लिए आपको जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। जेन्युइन जॉब आएगी, सीधा आपको ले जाएगी कहाँ, उनके मेन पेज पे जो भी कंपनी ने रिक्रूटमेंट निकाली होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट फाइव सीव एनालिसिस एज पर ASTM C136। देखो क्या है सीव एनालिसिस, आप सबको पता है। फाइन मॉडुलस जानने के लिए, जहाँ जो एग्रीगेट होता है उसका साइज जानने के लिए हम क्या करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं। क्लियर? अगर आपको जो भी मैं टॉपिक बताता हूँ, आपको चाहिए कि टॉपिक सर इंटरव्यू के साथ अटैच करिए ये टॉपिक की सीव एनालिसिस हो गया, आगे और भी टेस्ट बताऊँगा तो मैं वो भी करूँगा, कमेंट करो, जरूर आएंगे वो भी। तो ये बोलता है कि कितना होना चाहिए, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप क्वालिटी इंजीनियर के लिए जा रहे हो या लैब असिस्टेंट के लिए जा रहे हो तो ये इंटरव्यू ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर क्या देना है आपको, 300 ग्राम आपको जो वेट, मिनिमम वेट रखना होता है फाइन एग्रीगेट का सीव एनालिसिस में, कितना, 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉर शुड सीवीआर सैंपल शुड बी सोक्ड। जो सीवीआर होता है कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट, किस लिए करते हैं हम कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो? जैसे मैंने कहा कि अगर आपको वीडियोस अलग से चाहिए तो लाऊंगा मैं ये भी। तो कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो टेस्ट हमारा रहता है पेमेंट की, मतलब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है बेसिकली उसी के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे लिए जो सब ग्रेड लेयर है या पेमेंट है उसकी थिकनेस बेसिकली जानने के लिए हम सीबीआर टेस्ट करते हैं। ये रोड के लिए, जो रोड का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी में, एफकॉन में हो गया, गैमन में हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सीबीआर तो मस्ट वो पूछेंगे कि आपको टेस्ट आता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसका एक सैम्पल होता है, उसको कितने घंटे के लिए हमें पानी में डाल के रखना होता है, वो 96 और के लिए आपको वो पानी में सो करके रखना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउबल फ्रेश कंक्रीट टेम्परेचर अंटिल यूज्ड एज पर ASTM। कि ये बोलते हैं जब भी आप कंक्रीट यूज़ करोगे, मतलब जो कंक्रीट यूज़ करने हैं कंक्रीटिंग के लिए, स्लैब के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो अलाउबल कितना होता है, 32 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर ज़्यादा हुआ तो वो कंक्रीट आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें श्रिंके क्रैक्स वगैरह, उससे स्ट्रेंथ डिक्रीज हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जो उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप कंक्रीट यूज़ करो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 32 डिग्री, मतलब मैक्सिमम। उससे ऐसे तो हम लेते हैं 25 से लेके 30 तक, उससे ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल करते हैं। तो आप कहोगे कि सर अगर धूप हो तो कैसे कंक्रीट करना है, तो कंक्रीट करना ही नहीं। अगर ज़्यादा धूप हो तो पॉसिबल करो कि सुबह में कंक्रीट करो, या तो शाम में करो, या आइस मिलती है जो, तो कंक्रीटिंग के दौरान जो पानी आप डालते हो वो ठंडा पानी उसमें डालो। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन जो हमारा, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। जो स्टील है यूनिट वेट क्या होता है उसका पर M³ में, तो ये कहाँ काम आएगा आपको लोगों को, ये काम आएगा बिलिंग में, या साइड पे आप क्वांटिटी निकालोगे तो उस चीज़ में ये आता है। क्वांटिटी सर्वे का एक बेसिक पार्ट्स हैं, जो डेंसिटी हमें चाहिए होती है स्टील की हो गई या सीमेंट की हो गई, बेसिकली सीमेंट एग्रीगेट इन चीज़ों की तो आपको साइड पे चाहिए ही चाहिए। तो इसका यूनिट वेट कितना होता है स्टील का, वो होता है 78.5 kN/mm², यहाँ हो गया 7850 N/m³। अभी अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गिंटिंग। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ। देखो क्या करते हैं, 1:3 का एक पेस्ट बनाते हैं सीमेंट और सैंड का, उसको गन रखी होती है जिसका प्रेशर होता है 2-3 kg/cm², उस गन में वो माल डाला जाता है, इसी के लिए वो गन बनाई जाती है। जैसे आपने शॉर्ट करियर करते हुए देखा ही होगा, तो वैसा ही प्रोसेस रहता है। इसमें क्या करते हैं, जहाँ भी हनीकॉम्ब आया होता है, जहाँ क्रैक्स हैं या लीकेज है कुछ भी है, तो वहाँ क्या है, एक सीमेंट सैंड का एक मोटार बना के 1:3 उसको 2-3 kg/cm² से शूट किया जाता है उस जगह पर जहाँ पर हनीकॉम्ब है या जो भी इफेक्टिव एरिया है।
तो वहाँ इतने ज़ोर से जो माल बचता है तो अच्छे से एक फिनिशिंग मिलती है, अच्छे से वो बॉयड्स तक पहुँच जाता है, अच्छे से वो हो जाता है रिपेयर। अगला है फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ बिटुमिन यूज्ड इज, दो जो बिटुमिन हम यूज़ करते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आते हैं, मैसनरी के क्रैक आते हैं तो हम करते हैं प्लास्टिक बिटुमिन, क्योंकि एक इलास्टिक मटेरियल है जो मतलब एक ऐसे कंट्रैक्शन भी ज्वाइन कर लेगा जब वो होगा एक्सपेंशन होगा तब भी वो बियर कर लेगा। तो वो कौन सा बिटुमिन है यूज़ किया जाता है, ये रोड में आपको काम आएगा, रोड जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे रोड वगैरह का, तो प्लास्टिक बिटुमिन वो होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कवरिंग ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल। देखो क्या चीज़ है, आपने हाई राइज बिल्डिंग देखी है जहाँ घर की भी कोई घर होगा तो उसमें क्या होता है जो एक्सटर्नल वॉल्स होती हैं, लगा लो आपकी बाउंड्री वॉल्स हो गई, जहाँ क्या होता है बीच में कटआउट हो गया, साइड में एक गैलरी जैसी बनाई जाती है उसमें वॉल की जाती है, तो उसको क्या है एक्सपोज्ड एरिया है। अगर बारिश पड़ी या कोई भी इन्वायरमेंट ख़राब हुआ तो उसमें पानी वानी पड़ेगा, तो उसको कवर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए कि हम क्या करते हैं कॉपिंग यूज़ करते हैं। कॉपिंग आप उसको बोल सकते हैं जब आपकी विंडो होती है, ठीक है, विंडो एक देखो मोस्टली जो स्टैंडर्ड है एक मीटर नीचे से जो फिनिश फ्लोरिंग होगा वहाँ से एक मीटर पे आपकी विंडो आती है, तो उसके पहले हम क्या करते हैं कॉपिंग करते हैं कि उसका अच्छी रेस्ट हो जाए, जहाँ अगर पूरा साइज़ मैच करना हो काफ़ी चीज़ें देख के हम कॉपिंग वहाँ भी प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली आपको आंसर क्या देना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे है तो द प्रोसेस ऑफ कवरिंग कॉन्क्रीट प्लेस्ड ऑन एक्सपोज टॉप ऑफ एक्सटर्नल वॉल, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉपिंग। चलो आगे, ए वॉल कंस्ट्रक्टेड टू रिसिस्ट द प्रेशर ऑफ अर्थ फिलिंग इज नोन एज, एक वॉल आपने रोड के किनारे किनारे तो सब देखी होगी, जहाँ भी रोड होगा वहाँ रिटेनिंग वॉल होती है, रिटेनिंग मतलब पकड़ के रखना, तो वॉल हो गई एक रिटेनिंग वॉल, वो हो गई जो भी मतलब प्रेशर आता है अर्थ का एक्टिव या पैसिव प्रेशर जो भी पीछे से अर्थ लगाएगी, जब भी देखो क्या होता है बारिश होगी तब वो ज़्यादा रहता है, तो वहाँ हम क्या करते हैं रिटेनिंग वॉल मोस्टली प्रोवाइड करते हैं कि वो वॉल मिट्टी को पकड़ के रखेगी हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लंप फॉर कॉलम, जो कॉलम जो स्लंप होता है, स्लंप टेस्ट, कोन टेस्ट, ये सबने सुना ही होगा, शेयर स्लंप हो गया, कोलैप्स स्लंप हो गया या जीरो स्लंप हो गया, तीन टाइप के स्लंप मोस्टली रहते हैं। इधर क्वेश्चन पूछा है, पहले पार्ट में कोलैप्स स्लंप बताया मैंने, तो इधर क्वेश्चन पूछा है कि रिकमेंडेड स्लंप कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा स्लंप होना चाहिए अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो किसी कॉलम की, तो 75 से 125 mm होता है। ठीक है, 75 तब हो गया देखो जब क्या है ज़्यादा सरिया उसमें यूज़ नहीं किया है और कॉलम छोटा है, प्रॉपरली आप इजीली से कर सकते हो, तो उसमें वाइब्रेटर अच्छे से इस्तेमाल करना है। 125 mm कब हो गया, जब बूम प्लेसर जो रहते हैं माल डालने के लिए उसमें, जहाँ जहाँ ज़्यादा मैश हो सरिया की, ज़्यादा सरिया हो जगह नहीं हो तो वहाँ स्लंप ज़्यादा करके हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ स्लंप ज़्यादा किया वहाँ 10% सीमेंट आपको ज़्यादा डालना है, ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट इज जनरली, जो ग्रेनाइट हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आपके किचन में होंगी, आपकी स्टेयर में होगा, तो उसका क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अगर फिनिशिंग में आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप वहीं ग्रेनाइट यूज़ करवाओगे, यहाँ आपको पता कि बेरिंग कैपेसिटी कितनी होने वाली है, तो वही, क्योंकि अगर वहाँ ज़्यादा लोड आया तो वो ग्रेनाइट टूट सकता है या जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए बेरिंग कैपेसिटी कितनी ग्रेनाइट की 30-35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसी हिसाब से आप ग्रेनाइट लगा सकते हो कि यहाँ फ्यूचर में ज़्यादा लोड नहीं आने वाला है। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन क्यूब फिलिंग फॉर क्यूब टेस्ट, देखो जो क्यूब टेस्ट हम फिल करते हैं, क्यूब टेस्ट अगर आपको चाहते हो कि उस पर वीडियो चाहिए तो लाएंगे, अगर कमेंट कर दीजिए, तो IS कोड 2386 क्या कहता है, 16 mm की स्टील रॉड राउंडिंग एज, आपने ले जो अभी डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं या साइड पे, ये चीज़ ऐसी है, एक हो गया कोन टेस्ट क्यू टेस्ट, वो तो सब लोगों को आता ही है, मतलब पता भी होना चाहिए और आना भी चाहिए, क्योंकि साइड पे बेसिक टेस्ट है जो हर रोज़ यूज़ होता है, तो उसमें जो स्टील रॉड यूज़ की जाती है 16 mm की स्टील रॉड यूज़ की जाती है, राउंडेड एज होती हैं और 600 mm उसकी लेंथ होती है, तो उससे प्रॉपरली हम टैपिंग करके क्यूब भरते हैं, स्लम कोन बढ़ते हैं। अगर आपको कोई पूछे तो आपको कितने मतलब उसमें टैपिंग करनी होती है क्यूब में, तो 3 लेयर में आपको उसको करना है, 75-75 mm के लेयर बनने हैं, 35 बार उसको टैपिंग करनी है। अगर कोन की बात करें तो कोन में मोस्टली पहले हम 4 बार करते थे, लेकिन अभी जो रिवीजन आई है कोड में तो वो बोल रही है 3 बार करो, 35 का टैपिंग आपको करना है,
तीन लेयर में उसको मोस्टली भरने। और सॉरी जो 75-75 बोला वो कोन टेस्ट के लिए है, और जो हम उसमें करते हैं वो छोटी लेयर ही डालते हैं जब हम क्यूब टेस्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। जो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड, अगर किसी चीज़ की हम तराई कर रहे हैं, स्लैब है, कॉलम है, बीम है, तो IS 456-2000 रिकमेंडेड करता है कि जो क्यूरिंग करनी है आपको मिनिमम कितने दिन करनी है, 7 दिन करनी है। अगर वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसमें कुछ भी मिक्सचर्स या एडमिक्सचर्स या मिनरल्स कुछ भी नहीं है, अगर उसकी मिनिमम आपको कितने दिन, 7 दिन करनी है। लेकिन आपको 10 दिन कब करनी है, अगर उसमें एडमिक्सचर या मिनरल डाला गया है तो आपको उसकी क्यूरिंग 10 दिन करनी करनी है। और देखो इसमें और कुछ भी लिखा है, इट आल्सो रिकमेंडेड दैट द क्यूरिंग ड्यूरेशन शुड नॉट बी लेस देन 10 डेज फॉर कंक्रीट ऑफ OPC एक्सपोज टू ड्राई एंड हॉट एरिया। अगर देखो, अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ही है, अगर वो तो वहाँ पर ज़्यादा गर्मी है या ड्राई एरिया है, तो आपको उसकी भी 10 दिन मिनिमम करनी करनी है। एंड 14 डेज फॉर किसके लिए, अगर 10 दिन हम OPC की कर रहे हैं, और जिसमें मिनरल एडमिक्सचर्स है, 14 दिन उसकी करनी है। कहाँ पे, जहाँ ज़्यादा धूप रहती है, जहाँ टेम्परेचर 30-40 से ऊपर रहता है, जहाँ जहाँ ड्राई एरिया है वो। तो ये थे आज के इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, कुछ भी कमेंट रहता है करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू गाइज़।